वह मेरे सामने खड़ी थी, आसमान से उतरी किसी परी की तरह। मेरी नजरों को जैसे उसने कैद कर लिया था, मैं उसे घूरे जा रहा था। अचानक हाथ से चाय का ग्लास छूटने पर सकपका गया और एक नजर उसने भी मुझे देखा। चाय की दुकान वाले से ग्लास के पैसे काट लेने के बाद कहते हुए मैं वापस उसे देखने लगा। बड़ी खूबसूरत सुबह थी वह। अपने पापा के साथ होटल से जलेबी लेने आई थी। कुछ पल बाद वो अपने पापा के साथ चली गई, पर मैं उस होटल में कुछ उधार कर आया था। शायद उसके ख्यालों का उधार था, इसलिए अब रोज वहां जाने लगा था। रोज वो आती, मैं उसे जी भर के देखता और दोनों के बीच एक अनकही बातचीत होती, पर मैं कभी अपनी आंखों की जुबां को लफ्ज ना दे सका। पढ़ाई पूरी हो गई और मैं कॉलेज का एक प्रिंसिपल बन गया। एक रोज उसी कॉलेज में हाथों में मेहंदी लगाए उसी परी को एक बच्चे को लेकर जाते देखा। दिल ने कहा एक बार हिम्मत करके अपने दिल की बात उसे बता देनी चाहिए, लेकिन हिचक भी थी। मैं उसे एक टक देखते जा रहा था, वह मुझसे धीरे धीरे दूर जा रही थी। मैं तेजी से उसकी ओर भागा। उसके कुछ देर पहुंचने से पहले ही वह पीछे मुड़ी। मैं वहीं रुक गया। वह मेरे पास आई, मेरी सांसें तेज हो गई थी। वह बोली, तुम्हें प्यार का इजहार करने नहीं आता, दिल तोड़ना नहीं आता। शायद गिलास तोड़ने वाले कभी दिल टूटने की आवाज ही नहीं सुन पाते, उन्हें दिल का टूटना भी ग्लास टूटने जैसा ही लगता है। इतना कहकर वह चल दी। थोड़ा चलकर फिर मुड़ी, काश तुम्हें प्यार का इजहार करने आता। तो दोस्तों, ये प्यार का इजहार बड़ा मुश्किल होता है। आंखें तो कहती है पर जुबान नहीं कहती। तो आज की कहानी, ये प्यार भरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।